जी, स्वागत है सब लोगों का हमारे चैनल पे। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपको, यूपीए यूएसबी जो ओरिजिनल वाला टूल है ना, वो क्या क्या काम करेगा आपका। तो कई लोगों का मतलब जो भी मुझे मैसेज करते हैं वो छोड़ते हैं कि भाई ये कौन कौन सी गाड़ी कर सकता है, एक बार हमें डिटेल में भेजिए। और सबको ये बार बार भेजना भी बहुत मुश्किल है। आज मैं उस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपका कौन कौन सा ये काम हो जाएगा। बाकी देखो फ्यूचर में क्या अपडेट आए, कंपनी क्या दे, ठीक है, उसमें हम मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज की डेट में 2021 चल रहा है अभी, आज की डेट में हमारा कौन कौन सा अपडेट हमें कंपनी दे रही है। देखिए ये सॉफ्ट डंप की फाइल है, इसमें सबसे पहले देखिए ये डैश का काम होगा, हाउस लिखा होगा, इमो एंड स्मार्ट की टूल्स, ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन आप आईसी मतलब डायरेक्ट रीड राइट कर सकते हो, इमो के भी कर सकते हो आप, एसएएस के भी कर सकते हो। बाकी देखिए डैश में आपको दिखाता हूँ, डैश में है कार, हाइड्रो, मोटो, स्नो और ट्रक्स, ठीक है। कार में देखिए काफ़ी सारे मॉडल हैं, ये कार्स में आ गए। और हाइड्रो होती है जो हमारे देखिए यामा की हाइड्रो एक मोटर आती है, वो हाइड्रो जो बड़ी फोकलिफ्ट वगैरह होती है ना वो चीज़ होती है। और ये मोटर आ गया, मोटो में आ गया मोटरसाइकिल, बाइक्स में होंडा आ गई, ठीक है, होंडा की बाइक्स। देखिए 125 एक्टिवा का न्यू मॉडल का 5G का भी काम हो रहा है। और आपको और भी दिखाता हूँ, अभी मान लो आपका न्यू पल्सर आ रहा है ना, यामा आ रहा है FZ का, और आपको बजाज में दिखाता हूँ कि कई ये वाले IC पूछते हैं कि भाई ये वाले IC का काम हो गया। मैं देखिए एक बार पूरा चेक कर लीजिए, R5F10CMEL, ये अवेंजर में भी आता है, पल्सर 220 में भी आता है, ये आपका काम इसमें हो रहा है, ठीक है, ये न्यू मॉडल के मीटर है, इसका काम आपका हो रहा है। और काफ़ी जितने भी इसमें देखिए KTM है, ठीक है, अभी सुजुकी की आती है, सुजुकी की एसेसरी की एक्सेस में 125 RF510, ये इसका भी काम हो रहा है। और कई वो लोग मतलब सेल करने वाले बोलते हैं भाई कि हम अलग से एक फाइल देते हैं आपको, अपडेट देते हैं, बाकी नहीं देते। देखिए जो कंपनी अपडेट देती है ना वो सबको सभी जगह पे मिल जाएगा। आप किसी से भी टूल खरीदिए आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, हमारे पास से मिल जाएगा। ये तो कंपनी अपडेट थी है, हम खुद कोई अपडेट नहीं बना के देते इसमें। चलो अभी डैश में आपको कार में पहले मैं दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देखो एक बार ट्रक में भी आपका काम हो रहा है, अशोक लेलैंड का, भारत बेंच में मीटर आता है 2416 वाला है ना, ये भी हो जाएगा आपका। महिंद्रा के ट्रक में प्लेजो का आता है, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। चलो ये तो रहा ये आपका, अभी मैं कार में पहले दिखाता हूँ जो हमारी डिमांड है। देखिए जो वैग गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वैग गाड़ियाँ में सिर्फ ये ओल्ड मॉडल का शो करेगा, सिर्फ ये काम आपका होगा, वैग गाड़ियों के लिए ये नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं हमारी, जो भी इंडियन गाड़ियाँ हैं वो आप पहले ध्यान से देखिए। फोर्ड की गाड़ियाँ आए ना, जैसे ये देखिए फोर्ड में आपका काम हो जाएगा, या आप लिस्ट दे सकते हो। अगर मैं अकेले एक एक बोल के बताने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप ध्यान से पहले इस वीडियो को देखो इसमें कौन कौन सी गाड़ी है। सॉरी ये ऊपर निकल गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फोर्ड की रेंज। ये तो चलो बाहर की कुछ गाड़ियाँ हैं, फ्यूजन वगैरह हो गई, गैलेक्सी हो गई, फोकस हो गई, हमारी इंडियन देखो फिगो आ गई 2416, फिएस्टा आ गई, है ना, जो जो भी आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं इसमें वीडियो में, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है इसमें, ठीक है। ये इको स्पोर्ट आ गई, इको स्पोर्ट में जो 9S12 का काम है वो हो रहा है, ठीक, ये आप चेक कर सकते हो। अभी आपको मैं दिखाता हूँ हुंडई में चलते हैं, चलो होंडा में भी देख लेते हैं एक बार, होंडा में पुराने मॉडल से लेके न्यू मॉडल का काम हो रहा है। अमेज में 93C66 है, होंडा में सिटी में है 93C7666, और आपका हाइब्रिड का भी काम हो रहा है इसमें, फजीसू का भी, CRV का है, MB91F06162 का भी काम हो रहा है इसमें, फिट का भी काम हो रहा है, ठीक है। और होंडा की सिटी में जो फजीसू के हैसियत हैं वो भी आपका काम हो रहा है। अभी हुंडई में देखते हैं,
देखिए, i20 का काम हो रहा है, न्यू मॉडल की इलाइट का काम हो रहा है ना, और 2416 के IC आते हैं, UPD 70F 3524, ये आपका IC उसमें भी आता है न्यू वाली स्विफ्ट में। अभी क्या है, न्यू वाली स्विफ्ट जो 2021 वाली गाड़ी है ना, वो क्या होता है, जो वायोबडी प्रोग्रामर है, देखिए कल कोई अपडेट आ जाए उसमें कुछ कह नहीं सकते। आज की डेट में जो भी वायोबडी प्रोग्रामर है वो कुछ कुछ में ऐसे है कि आप रीड कर लेते हो, आपको किलोमीटर दिखा देता है, जब आप राइट करोगे ना तो एरर आ जाएगा। इसमें अच्छा ऐसा नहीं है, अगर आपका ये दिखाएगा तो 100% आपका काम होगा। ये हमने किया है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि वायोबडी हम कर रहे थे तो उसके साथ हो नहीं पा रहा था, तो यहाँ से हमने UPA के साथ खोल के ये मीटर किया तो आप हमारा काम हो गया। उसमें ये 3524 वाला IC आता है जो न्यू मॉडल की है, ये 3529 भी है और 3524 भी है। देखिए ऐसे नंबर लिखे हुए हैं अल्टो में, और ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, रेनॉल्ट की आ गई, ठीक है, देखिए सीलियो आ गई, डस्टर आ गई, और सुजुकी में भी आपका मारुति वाली ये ऐसी हैं, सलेरी होगी, सियाज होगी जो मॉडल की, डिजायर होगी, देखिए ये देखिए डिजायर में 3522 का AC आ रहा है, ये भी आपका काम। अट्टी का 2018 वाली 25 LC 320 IC है ना, ये भी हो रहा है, गनीस का हो रहा है, और एस्प्रेसो 95160 में हो रहा है IC। एस्प्रेसो में दो तरह के IC है जो इस पे काम हो रहा है, इसमें 3524 और 3529 वाला आ गया। ये ऑटो फाइंड है YNS, इसमें 93386 का भी काम होता है, 76 का भी काम होता है। SX4, वैगनार, टोयोटा की फॉर्चूनर होगी, एटियोस हो गई न्यू मॉडल की, और आपकी नोवा क्रिस्टा होगी, ये आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। अगर मैं तेज तेज निकालूंगा, आप अपनी वीडियो यूट्यूब पे अभी ऑप्शन भी चल रहा है, आप स्लो करके भी देख सकते हो। ये देखिए ये एटियोस का आ गया, ये नहीं मॉडल का, ठीक है, एटियोस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो भी मैं डालूंगा। देखिए जो भी भाई हमसे कभी रेट पूछता है ना, जहाँ कोई आके कई बार आप डेटा लेना चाहता है, कई बार क्या होता है हमारे पास अगर डिवाइस का स्टॉक ख़त्म हो जाए ना, तो हमें आप 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको मतलब मिल जाएगा, ऐसे नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, पीस आपको मिल जाएगा। कई बार 2-3 दिन इधर उधर हो जाते हैं, और हम भी कई बार काम में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है माल उठाने में। कई बार कस्टम में माल फंसा होता है तो कस्टम काफ़ी टाइम खा जाती है, क्योंकि देखो ये हम एक साथ नहीं माल मंगवाते, अगर हम 10 पीस मंगवाते हैं तो 10 का हमें कस्टम काफ़ी बढ़ जाती है, और 10 आते हैं तो 10 आ जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन वो निकल जाते हैं। एक बार फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए कॉल करके, आप मिल पाते हैं, या आप कहीं से भी लीजिए, कंपनी आपको सारे अपडेट देगी। देखिए ये गाड़ियों को आपका हो गया काम। अभी चलो वॉक्स वैगन भी देख लेते हैं, वॉक्स वैगन में कौन सा काम है इसमें, है ना, ये वॉक्स वैगन के कुछ IC है, ये आप इस पे काम कर सकते हो। जेटा में देखिए 2432 का IC है, देखिए आप इसमें कुछ पिक्चर भी निकाल सकते हैं, आपको मैं पिक्चर बताता हूँ। आप लो मान लो मैंने MB91F वाला कोई भी जहाँ से चूज़ कर लिया, जैसे एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा i30 वाला मैंने चलो यूज़ कर लिया, जहाँ से जैसे आप एटियोस यूज़ करते हो, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये देखिए चलो यहाँ से अभी हेल्प पिक्चर आ जाएगी, फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर या एटियो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एटियो मैंने सेलेक्ट किया। हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करते हैं वो डायग्राम, उसमें क्या होता है
जो कंपनी प्रोवाइड करती है ना, उसमें 9 केबल वाली डायग्राम रहती है, ठीक है। और जो हम आपको केबल बना के देते हैं, उस केबल का मतलब मकसद यही होता है कि हम जो केबल दे रहे हैं और उसके साथ ही आप अपनी पिक्चर के हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं भाई आप बीच में से पिक्चर निकलनी चाहिए, तो क्या होता है हम यार बीच में कई बार पिक्चर नहीं देते क्योंकि वो हमारी कलर कोडिंग होती है। देखिए 9 केबल वाली कोई भी ऐसी कोई केबल तैयार नहीं है, नहीं तो एक ही केबल पे सारा काम हो जाता है। हम अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग केबल देते हैं आपको, ठीक है। और चलो बाकी मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे मिंडा पे मैं आपको बताता हूँ, मिंडा में महिंद्रा में देखिए न्यू वाला एक IC आया है, वो है 1947 वाला, है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा में आएगा वो। देखिए ये रहा बोलेरो 2013 में, ये 914 वाला है, 946 वाला है। अभी ये है बोलेरो न्यू पिक 16F1947, ठीक है। ये वाले में आपका क्या होता है, ये आपको सिर्फ पिन डिस्क्रिप्शन आ गई सारी, ठीक है। और इसको ओके करना है। अभी आपको ये जो विंडो है, यहाँ पे आपको ओल्ड किलोमीटर दिखा देगा रीड करने पे, और न्यू किलोमीटर डालोगे, अप्लाई करना है, राइट करना है, बस सिंपल फंडा है। विंडा की एक स्पेशल केबल आती है, वो हम आपको स्पेशल केबल मतलब देंगे आपको साथ में डिवाइस के, उसको बस आपको प्लग एंड प्ले वाला काम है, उसको लगाना है, रीड करना है और डायरेक्ट राइड कर देना, बस और कुछ भी नहीं है। बहुत इजीली है, सभी गाड़ियों को डायरेक्ट किलोमीटर रीड करना है और राइड करना है, आप काम कर सकते हो। इसके साथ आप कैलकुलेटर का भी काम कर सकते हो, मतलब कई गाड़ियों में, मान लो आप किसी ट्रैक्टर का काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको हैक्स ढूंढने हैं, तो आप IC नंबर के हिसाब से कोई गाड़ी सिलेक्ट करके, जैसे हम टेकोसॉफ्ट में करते हैं ना, वैसे आप बना भी सकते हो उसके हैक्स। वो क्या होता है, वैसे मान लो हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी किलोमीटर डाल लिया और हमने अप्लाई किया, और इसमें देखिए कुछ रीडिंग आ जाती है। ये जो रीडिंग है ना, ये हम कैलकुलेटर की तरह इसके साथ काम ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो होप सो आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि हमें बार बार देखिए एक तो सेंड करना बहुत मुश्किल है ना, कि भाई कौन कौन सा ये डिवाइस प्रोग्राम में सिलेक्ट करेगा, हम बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैंने आपको एक वीडियो बना के उसमें एक बार गाड़ी स्क्रॉल करके दिखा दी, अगर आपको थोड़ा तेज लगे वीडियो तो आप स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब महिंद्रा में कौन कौन सी गाड़ी सिलेक्ट, देखिए ये स्पोर्ट कर रही है, ये वाली S10 में, जिसमें BCM में है 25 LC 160 वाला, ये आपका काम हो जाएगा। S11 वाला 24C 16 वाला आपका काम हो जाएगा। अभी क्या है, S11 में कुछ गाड़ियों में आपका ECM में आया, जैसे TUV है, ठीक है, TUV का मीटर का काम हो जाएगा इसके साथ। लेकिन जो ECM में आपको काम करना है, वो ECM का काम आपका दूसरे तरीके से ही होगा, ठीक है, वो आपका कुछ और प्रोग्राम मराते हैं, वो आप हमसे बात करके काम कर सकते हो। ये वीडियो ज़्यादातर जो मीटर स्वैप करते हैं लोग, उनके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप मीटर रिपेयर वाले काम करते हो, ठीक है, कई बार मदरबोर्ड किसी को चेंज करके देना पड़ता है, और कई बार कोई किसी की EEPROM IC खराब हो जाए, उसको रिप्लेस करके आप उस पे किलोमीटर पे आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छी डिवाइस है, और थैंक यू, होप सो आप पेज को लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे।